तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। अब भाई आज अपडेट आया पबजी का, और भाई ये अपडेट ग्लिचेस से भरा पड़ा है मेरे भाई। जितने ज्यादा इन्होंने फीचर्स डाले नहीं, उससे कहीं ज्यादा तो ग्लिचेस है। सही बताऊं, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता पबजी वाले अपडेट दिया करे, बेसिक अपडेट दे दिया करे बस। बहुत ज्यादा गेम चेंज करने की जो कोशिश करते हैं ना, उसमें हक देते हैं भाई। वेल, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये कस्टम है यूट्यूबर्स के गेम्स, जिसमें मैं खेलने की कोशिश कर रहा था और मेरे को बॉट्स दिखने चारों तरफ। ये बंदा देखो कैसे मेरी गाड़ी में घुसा पड़ा है, सामने एक बंदा है जिसे गोली नहीं लग रही है, ये बगी में चला नहीं सकता भाई। क्या है यार, ऐसे में मैं कस्टम कैसे खेलूं? ये क्या हमला हो रहा है मेरे ऊपर, बग्गी छोड़ रहे, वो थ्री व्हीलर के हमले हो रहे भाई। भाई कसम से मैं बता रहा हूँ, वो कस्टम्स में जो मेरा दिमाग खराब हुआ ना, इतना ज्यादा दिमाग खराब हुआ। देखो पहले कस्टम में मेरे को चारों तरफ बंदे ही बंदे दिख रहे हैं, जिनको मैं गोली मारूं उनको डैमेज नहीं हो रहा है। वो आफ्टर इमेज थे, बॉट्स जैसे थे, क्या थे मुझे पता नहीं। दूसरे मैच में सबको ऑडियो ग्लिच, किसी को किसी की आवाज नहीं आ रही है। तीसरा मैच जाके कुछ डिसेंट सा गया भाई, तो हमने उसमें थोड़ा बहुत खेला। वेल ये वीडियो, हाँ ठीक है मैं बहुत ज्यादा रोता हूँ, लेकिन वीडियो की बात करते हैं कि वीडियो में है क्या। तो जो नया अपडेट आया है फ्लोरा मेनियक, शायद पता नहीं मेरे को नाम याद नहीं है, सुबह पड़ा था, तो जो भी नाम था इसके बारे में तुमको रिव्यू देने वाला हूँ। वाह नाम पता नहीं है भाई साहब, रिव्यू देने चले। वेल कुल मिला के मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ कि सुबह से लेकर जो अब तक मैंने इस गेम के बारे में नई चीज़ें देखी हैं, जो प्रॉब्लम सही हैं, उनको मैं तुमको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं तुमको फटाफट जो अच्छी बातें मेरे को लगी अपडेट के बारे में वो बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले इस बंदे को मेरे को मार लें दो। ये बंदा ऊपर टीपीपी ले रहा था, लेकिन जैसे ही मैं हमला करने आया ये नीचे कूद गया। अब मेरे को ऐसा लगा कि ये भागेगा, बट नहीं, इसका प्लान कुछ और था। ये वापस से ऊपर आया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑडियो क्लूज में कन्फ्यूज हो गया था, लेकिन जैसे ही मेरे को समझ में आया हाँ ये मेरे ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने टीपीपी लेना शुरू कर दिया। अब जैसे ये सुरव यहाँ पर आए भाई, इनको मोक्ष दे दिया मैंने, मतलब नॉक कर दिया। अब देखो इनके साथ मैं कर रहा था तफरीबाजी, इनको मैं बाहर जाने नहीं दे रहा था, और तभी यहाँ पर मेरे को लगा कि इनका टीममेट आया है, जो कि इनका टीममेट असल में नहीं था, ये एक बॉट था। तो इस भटूरे को मैंने भर दिया, और उसके बाद मैं इन भाई साहब को फिनिश करने आया, क्योंकि इनका टीममेट मुझे लग नहीं रहा था कि इनके आसपास है, शायद ये यहाँ अकेले ही आए थे। जो भी हो, अब बारी इनके मरने की थी, और अब इनकी लूट मुझे देने की थी। अब देखो इसको मैंने लूटा, अब मैं जा रहा था सो कॉल्ड टीडीएम खेलने, क्लासिक में टीडीएम खेलने की पता नहीं क्यों मुझे जरूरत आन पड़ी है, बट मैं जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले तुम लोग के लिए क्वेश्चंस, कमेंट में जो आंसर देगा उसे मिलेगी 1000 UC। ये बताओ इसके अंदर इसने ये कैसे घुसेड़ दिया बे यार, लोग कुछ भी करते रहते हैं। वेल अब जब तक ये फालतू टीडीएम चलता है, फालतू क्यों, क्योंकि भैया देखो हो सकता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लो लॉबी में हूँ, या हो सकता है कि मैंने जिस टाइम ये गेम खेला वो टाइम गलत था। भाई टीडीएम ऊपर जो होता है वहाँ से बॉट्स ही होते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि अच्छी चीज़ें क्या है गेम में, क्योंकि बॉट्स को मारते हुए क्या ही कमेंट्री दूंगा। तो जो सबसे अच्छी चीज़ें थी वो थी तुम्हारी बेसिक सेटिंग के अंदर। बेसिक सेटिंग में सबसे पहले तुमको फोकल लेंथ एडजस्ट करने का जो फीचर मिला है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसमें अब तुम होल्ड करके भी उस चीज़ को कर सकते हो। ये बहुत रिवोल्यूशनरी तो नहीं है, बट हाँ क्योंकि मेरे को हर चीज़ होल्ड पे रखने की आदत है, तो ये चीज़ मेरे काफ़ी काम आने वाली है। दूसरी जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ मेरे को लगी है वो है स्प्रिंट सेंसिटिविटी, आई थिंक। हाँ ये कुछ लोग इसे जॉयस्टिक सेंसिटिविटी कह रहे थे, बट ये असल में एक सेंसिटिविटी है कि तुम अपनी जॉयस्टिक को कितना आगे ले जाओ कि तुम्हारा बंदा दौड़ने लगे। वेल पहले ये 50 हुआ करता था, और जो आईपैड पे खेलते हैं उनको ये चीज़ प्रॉब्लम हमेशा देती है, क्योंकि आईपैड में उंगली ज़्यादा ड्रैग करनी पड़ती है अपने कैरेक्टर को दौड़ाने के लिए। तो फिलहाल तो मैंने इसे 100 पे कर रखा है, बट 100 पे कैरेक्टर थोड़ा सा भी बेकाबू सा हो जाता है, जैसे पेड़ वगैरह का कवर लेना है तो कभी कभी ये भाग के आगे चला जाता है। तो हो सकता है मैं इन सेंसी में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करूँ, बट ये सेंसी है बहुत कमाल की, और आई थिंक मोबाइल प्लेयर्स को भी यूज़ करना चाहिए, इससे आपका मूवमेंट वाकई बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब जो तीसरी चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, जो कि बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, पता नहीं क्यों पबजी को धीरे धीरे अकल आ रही है, वो चीज़ ये है कि अब ट्रेनिंग मोड में आपको एमिनेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कुल मिला के बिनाई चुनाई कबाड़ बिनना जो भी होता था उधर, वो अब ख़त्म हो चुका है। अब आपको अनलिमिटेड एमो मिलेंगे, ये पहले ही हो जाना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों ऐसा नहीं था। पहले तो भैया 30-30 एमो करके उठाने पड़ते थे, फिर पबजी वालों को ख्याल आया, उन्होंने 100 एमो कर दिए असॉल्ट रेफर के लिए, लेकिन अब क्योंकि अनलिमिटेड हो चुका है तो अब भाई आप बिना एमो की टेंशन करें, सिर्फ गन उठाओ और अटैचमेंट्स लो और भाई जुट जाओ मारो, जितना आपको प्रैक्टिस करनी उतनी प्रैक्टिस करो, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है।
अब बात कर लेते हैं थोड़ी बुराइयों की। तो देखो ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा भी था, कुछ चीज़ें थी जो खराब भी हैं इस अपडेट में। सबसे पहले ढेर सारे बग्स आ गए हैं और ये TDM कचरा है भाई। मैं कितनी देर से यहाँ पर हूँ। सबसे पहले इस TDM में शील्ड कितनी लंबी मिलती बंदों को, ये मरते ही नहीं साले स्पॉन के अंदर। वेल जो भी हो, इस पूरे TDM को जितनी देर से मैं इसे खेल रहा हूँ सिर्फ एक बंदा है, ये सामने वाला, बाकी सारे यहाँ पर बॉट्स भरे पड़े हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं TDM यहाँ क्यों ही खेलूँगा। अब मैं बताता हूँ यहाँ बॉट्स आ क्यों रहे। देखो होता ये है कि ये जो TDM लगता है ये फ़ौरन लग जाता है, समझ रहे हो। और ये ज़रूरी नहीं कि जिस टाइम आप ये TDM खेलने आओ उस टाइम बाकी सारे बंदे भी यही चीज़ चाह रहे हो, तो इस वजह से आपको इतने सारे बॉट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप फर्जी घूमोगे तो है नहीं यहाँ पर। तो इस वजह से वो बॉट डाल दिए जाते हैं ताकि आप अपना टाइम पास करो जब तक कोई और बंदा यहाँ पर आ ना जाए आपसे TDM खेलने के लिए। पर मैं फिलहाल इसे TDM ही कह रहा हूँ, पता नहीं क्या ही होता है। अब देखो सबसे फर्जी बात ये है यार कि इससे हो रही है कैंपिंग। या तो बंदे इसमें आके पूरा टाइम बिता देते हैं, मतलब शुरुआत में सर्वाइव करा फिर अंदर आ गए यहाँ कोने कतरे में बैठे हुए हैं यहाँ, क्योंकि आप मरोगे नहीं, आप मरोगे तो रिवाइव हो जाओगे, 3 हेल्थ हैं आपके पास और अच्छा खासा यहाँ टाइम आपका कट जाता है, समझ रहे हो। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है आई थिंक कि ये आपको कहीं पर भी फेंक देता है, है ना, ये वहीं आपको टेलीपोर्ट नहीं करता है जहाँ पर आप थे, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि हो सकता है आप जोन के बाहर ही मर जाओ। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको कहीं पर भी ड्रॉप करता है जोन के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे आपने गाड़ी वाड़ी इकट्ठा कर रखी है तो आपकी गाड़ी वाड़ी चली जाएगी, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है। बस सच बताऊं तो ये मेरे को मोड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, और खास करके जो ग्लिचेस आ गए हैं, जैसे कि आप किसी का साउंड कम करते हो, ज़्यादा करते हो, या फिर सेटिंग में जाके साउंड के साथ कुछ छिड़कानी करते हो तो फिर आप अपने टीममेट से बात नहीं कर सकते, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है, इसे सॉर्ट कर देना चाहिए। और भी काफ़ी छोटे मोटे ग्लिच हैं जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा घटिया लगे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। आप थोड़ा बहुत इस गेम प्ले के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। मेरे सामने एक बंदा था जिसे मैं ट्रोल करने लगा, आप देखो फाइनली यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी लाके रोक दी, बंदा जस्ट मेरे सामने था। अब मैं यहाँ पर अपनी वो लगाना चाह रहा था शील्ड, लेकिन पता नहीं क्यों शील्ड लग नहीं रही थी। अब देखो फाइनली जो भी हो, मेरे को पीछे साउंड आया तो मैं थोड़ा डर गया, बट ये बॉट ही था, मेरे को लगा था इसका टीममेट है जो कि कहीं प्रोन रहा होगा। पर जो भी उस बॉट को मारा, और शील्ड मैंने क्यों लगाई मुझे पता नहीं है, बट अच्छा हुआ लगा ली क्योंकि पीछे से एक बग्गी आ गई। अब इस बग्गी को मारने में आगे गया था, लेकिन तभी मेरे को डर लगा तो मैं पीछे आया। अब एक को मैंने नॉक करा, इसको भी फिनिश कर दिया। अब बारी थी सामने वाले के ऊपर बुश करने की, क्योंकि ये मेरा टाइम खा रहा था। अब इसको मारने के बाद देखो हुआ ये कि मेरे को सामने से दिख गया स्मोक। मैं समझ गया कि जो बगी वाला था वो अभी भी यहाँ पर रुका हुआ है, तो मैं लूटने आया। सच बताऊँ तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक मेडिकिट लगाई क्योंकि मेरी हेल्थ लो थी और ऐसे लो हेल्थ में पुश करना बेकार होता है। उसके बाद मैं इसका डब्बा लूटना चाह रहा था, बट यार ये जो एयर ड्रॉप होता है ना, ये खुल गया। हाँ सप्लाईज, इसके बारे में कैसे भूल गया यार, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है सच बोलूँ तो, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपको AWM नहीं देती, आपको अच्छे से खासे पॉइंट कलेक्ट करने पड़ते हैं, लेकिन आई थिंक मिड गेम तक आपको AWM मिल जाती है अगर आपने अच्छे से लूटे हैं सिक्के और किसी को मारा है। अब देखो इस बंदे के ऊपर मैं पुश करने जा रहा था, बट इसने भी स्मोक डाल रखा था, तो मैं जानते थे बाहर निकलेगा, तो यहां पर मैंने इसको भी भर लिया। उसके बाद देखो 13 बंदे बच रहे हैं, लेकिन सच बता रहा हूं यार भाई, बॉट्स हर जगह, बॉट्स इस पूरे गेम में भी बॉट्स। लेकिन उससे पहले यार ये तो मंगा लूं अपनी AWM भाई, सच बता रहा हूँ, बस ये एक अच्छी चीज़ मेरे को लगी कि मैं जब चाहूँ तब AWM मंगा सकता हूँ। और भाई अब डबल AWM चैलेंज करना कितना आसान होने वाला है, वैसे इतना आसान भी नहीं होने वाला है, आपको एक ड्रॉप से तो मिनिमम उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि भैया 18,000 आई थिंक लगेंगे 2 AWM के लिए, है ना कॉइंस। वेल जो भी हो, मेरे को एक सामने बंदा दिखा जिसको मैंने बाटा से रख दिया। अब उसके बाद देखो 9 बंदे बच रहे थे और भाई सब बॉट्स भरे पड़े थे। देखो दूसरा नंबर का बंदा, बाकी सब तो मर ही गए, ये दूसरा नंबर का बंदा जो है ये भी एक बॉट ही है। सच बता रहा हूँ मैं आज बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था यार कि क्या लॉबी लग रही है। वेल जो भी हो, यहाँ पर मैं इस बंदे को या फिर बॉट को ट्रोल कर रहा था, कुल मिला के मैं ये डालने इससे मारने की से कोशिश कर रहा था। अब देखो मैंने इस बॉट को इस पैन से मार दिया और आखिरी बंदा भाई मैंने बॉट ढूंढा, मेरे को कहीं नहीं मिल रहा था, फुल कैंप पर था, तो मेरे को शक था कि अब ये सामने वाले इस पर ही हो सकता है, और हाँ भैया ये वहीं थे।
अब ये बॉडी कैसे था मेरे को पता नहीं है, बट दोबारा मैं इसे जरूर मारूंगा, लेकिन फर्स्ट एड लगा लूँ। वेल आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अपडेट आपको कैसा लगा। मेरे को सच बताऊँ तो ठीक ही है, मेरे को कुछ खास रेवोल्यूशनरी लगा, लेकिन जो सेटिंग्स आई हैं बेसिक में वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। जो भी हो, कहते इजी चिकन डिनर, बट सेलिब्रेट करने का मन नहीं कर रहा है। क्या करूँ, बॉट्स ही तो मारे मैंने, क्या ही उखाड़ लिया।